आज बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने मन में ये बना लेना है, मतलब हर चीज़ के लिए या किसी भी चीज़ की हैबिट हमें बच्चों को डलवानी पड़ती है तो उससे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि अब मुझे रेगुलर रूटीन बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अगर बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए एक रेगुलर रूटीन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को डायपर फ्री करना पड़ेगा, फिर अगर बच्चा आपका कुछ साइन देता है पॉटी के तो उस टाइम पे आप उसे पॉटी सीट पे ले जाके बैठाओ, या फिर आप एक रूटीन बनाओ कि मुझे सुबह इस टाइम पे या शाम इस टाइम पे बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी है, उसे पॉटी सीट पे बैठाना है, चाहे उसे पॉटी आए या ना आए। 10-15 दिनों से समझ में आ जाएगा कि यहाँ बैठाने का मतलब पॉटी होता है और यहाँ बैठ के मुझे पॉटी करनी होती है। सो वो 10-15 दिन में अगर उसे पॉटी का एक टाइम बन जाएगा, या फिर जब आपका बेबी कोई साइन देता हो तो तब आप उसे बैठाओ उस पॉटी सीट पे, तो होपफुली वो उस पर पॉटी कर लेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, अपने रूटीन पे स्टिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है एक दिन मैंने आज पॉटी सीट पे बैठा दिया, दो दिन बैठा दिया, दो दिन उसको फ्री छोड़ दिया, हगीज़ में करने दिया या कुछ भी। सो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, जिस टाइम पे बच्चा पॉटी करता है या आपको साइन देता है आप उसको ले जाके वॉशरूम में पॉटी सीट पे बैठाओ। सो वो अगर एक बारी ये प्रोसेस समझ गया कि यहाँ पे बैठ के पॉटी करते हैं, उसको ये प्रोसेस समझ में आ गया, सो ज़रूर वो उस पे जाके पॉटी कर सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हर बच्चे का टाइम लगता है सीखने में, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीख जाते हैं। बट 14 मंथ से मैंने शुरू किया और 18 मंथ में जाके मैं फ्री हूँ कि अब वो पॉटी और पू अंदर जाके ही करता है। क्योंकि ये ही बहुत बड़ी सक्सेस होती है कि अगर आपका बेबी पॉटी और पूप को बता रहा है और वॉशरूम में जाके बैठने को एग्री है। क्योंकि ये जो एक्टिविटी है 10-15 मिनट बेबी को बांध के रखना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा क्या है, आपको इस एक्टिविटी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनानी है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं हर चीज़ से और आपको बताया कि नहीं बैठा के उन्हें रख सकते। तो आपको इंटरेस्टिंग बनानी है, जो भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, जो भी उसके फेवरेट टॉयज हैं, बुक्स हैं, जो भी उसकी स्टोरीज हैं, जो भी आपको लगे कि बच्चा इससे थोड़ा सा देर एंगेज हो सकता है, तो अपने बच्चे को उस टाइम से 10-15 मिनट आपको एंगेज करना है, फ़नी फेसेस बना के, स्टोरी सुना के। मैं अपने केसेस में क्या करती हूँ कि मेरे बच्चे को मतलब डब्बी खोलना बंद करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे उस पर जाके बैठा देती हूँ और एक डब्बी दे देती हूँ पानी भर के। सो उसमें वो इधर जो बैठा रहता है कुछ ना कुछ कर रहा रहता है, या फिर मैं उसके लिए गाना गा देती हूँ, फ़नी फेसेस बना देती हूँ, तो 10-15 मिनट वो उसमें टिक कर बैठ जाता है और जब उसका स्टमक क्लियर हो जाता है तो वो उठ जाता है। तीसरा है, आपको एग्जाम्पल सेट करना है, लाइक आपके घर में जो भी हो या मम्मी पापा, मतलब जो भी जैसे भी आप रहते हो, किसी का भी एग्जांपल सेट करके कि पापा यहाँ जा रहे हैं पूप और पी, जब भी आपको पॉटी आए वॉशरूम जाना, जब भी आपको पी आए वॉशरूम जाते, सब बड़े लोग वहीं जाते हैं। बच्चों को अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा इनक्रेज करता है उनकी सारी एक्टिविटी में, चाहे उनको ब्रश कराना हो, पॉटी ट्रेनिंग देनी हो, हर चीज़ के लिए अगर आप बच्चों के साथ अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो पे अफेक्ट पड़ता है, उन्हें भी लगता है कि हमने ऐसा क्या किया या हमने कुछ अच्छा किया है जो मम्मा पापा में अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अप्रिशिएशन के रूप में उन्हें कैंडीज या फिर कुछ भी दे सकते हैं, हग दे सकते हैं, किसेस दे सकते हैं अप्रिशिएशन के रूप में, तो वो बहुत अच्छे से उसे लेते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं अप्रिशिएशन। तो उन्हें इनक्रेज करिए कि तुमने बहुत अच्छा किया या तुमने बताया भी तो बहुत अच्छा किया, यहाँ पूप करी यहाँ पी करी तो बहुत अच्छा है, हमेशा यहीं करते हैं, तो आप उसको इनक्रेज करिए। अगर उसने 5 बार बताया, 5 में से एक बार भी किया तो वो आपके लिए सक्सेस है, तो आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट करिए। सो आपको बहुत ही पेशेंस रखना है, बच्चों को बहुत आराम से सिखाना है, उन्हें डांटना नहीं है। अगर एक दो बार उनने इधर उधर कर भी दी या अगर वो ट्रेनिंग के बाद भी नहीं समझ पाए, क्योंकि हो जाता है कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते, सो आपको बहुत ही आराम से उन्हें ट्रीट करना है, उन्हें चिल्लाना नहीं। मतलब जो फैंसी पॉटी सीट आती हैं जिन्हें आप कैरी कर सकते हो, पोर्टेबल होती हैं, वो आप मत लो। अगर आप वो लेते भी हो तो उसे वॉशरूम में ही रखो, क्योंकि बाद में जैसे आपने उसको पॉटी ट्रेनिंग सिखा दी कि कहीं भी बैठ के पॉटी कर लो और फिर बाद में आप उसे सिखाओगे कि वॉशरूम में ही करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि अभी तो बोल रहे हैं यहाँ कर लो इस पे बैठ के और आप बोल रहे हैं कि वॉशरूम में करो। अगर आप उसको ले भी रहे हो तो उसे वॉशरूम में ही स्ट्रिक रखो, जिससे कि वो वहीं जाके करे और उसे समझ आए कि ये सारी चीज़ें वॉशरूम में ही होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।